अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सम्मान्य मोतीलाल बोरा जी, मुकुल वासनिक जी, चयन समिति के सम्मानित सदस्यगण, विद्वतजनों, बहनों और भाइयों, इंदिरा जी की स्मृति में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी द्वारा स्थापित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए सोनिया जी ने तथा चयन समिति ने जिस सदाशयता और उदारता से मेरा चयन किया है, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। इसके लिए विनम्रतापूर्वक मैं आपका आभारी हूँ और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। वास्तव में यह सम्मान हमारे कार्यों और विचारों से जुड़े उन असंख्य माँ बहनों, ग्रामीण कार्यकारी युवाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विषय विशेषज्ञों के साथ ही पर्यावरण एवं विकास के लिए चिंतित तथा उसकी समृद्धि के कार्यों में संलग्न समस्त लोगों का सम्मान है और मैं विनीत भाव से उन्हें ही इसे समर्पित करना चाहता हूँ। विशाल हिमालय के उत्तराखंड क्षेत्र के अंतर्वर्ती इलाके में रहने वाले हम लोग बहुत साधारण लोग हैं, लेकिन सन 1960 में हमारे आसपास, हमारी सीमा पर चीनी सेना की हलचल बढ़ी। उसी दौर में हम साधारण लोगों तक जयप्रकाश नारायण, आचार्य दादा धर्माधिकारी, निर्मला देशपांडे और मान सिंह रावत के द्वारा इस शताब्दी के असाधारण आदमी गांधी के विचार पहुँचे। हमने अपने और अपने समाज के बारे में देखना और सोचना शुरू किया। हमें इस दौर में सामाजिक और जातीय गैर बराबरी के अनेक उदाहरणों से व्यथित हमारे मन ने इसे अस्वीकार करने की दिशा में संकल्पबद्ध होने को प्रेरित किया। इन विभूतियों के सानिध्य से गांधी जी की विचारधारा को की समझ और उसमें सामाजिक समस्याओं के समाधान को तलाशने के अवसर मिला, उससे हमारा विश्वास दृढ़ होता चला गया। कर्म, शांति और अहिंसा के मार्ग से सामाजिक समरसता के अधिक अर्थपूर्ण स्वरूप दिया जा सकता है। हमें इस दौर में यह भी पता चला कि व्यवस्था कुछ ऐसी है कि इसमें हमारा भी शोषण हो रहा है, हमारी धरती और वनों का भी। हमारे इलाके के युवक, बच्चे सब नीचे मैदान में काम की तलाश में चले जाते हैं। हम लोगों ने इसलिए उनके लिए सम्मानजनक जीविका के रास्ते तलाशे। इसमें श्रम संविदा समिति, बराबर दाम और बराबर काम के आधार पर, और उसके बाद दसोली ग्राम स्वराज्य संघ की स्थापना की। बहुत से लोगों को रोजगार मिल गया हो यह बात नहीं थी, पर यह बात जरूर थी कि वहाँ जो काम पहले नहीं हुआ था उसके द्वार हमने खोले। कई प्रकार की तकलीफें हमारे सामने आई, हमने उनकी समस्या को ठीक से समझा और इसका उन्हें अनुभव कराया और उन्हें खड़ा किया। आगे संक्षेप में मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि साबरमती नदी ने सत्याग्रह का जो हथियार हमें दिया, उसने हमारी और हमारे पर्यावरण की, गंगा की बस मुख्यधारा अलकनंदा नदी की, उसके किनारे बसने वाले निवासियों की कितनी बड़ी सेवा की है। आप सब जानते हैं कि चिपको आंदोलन, यानी पेड़ों से चिपक कर उन्हें कुल्हाड़ी से बचाना, पेड़ नहीं हम कटेंगे, यह तरीका पेड़ से पहले हमारी पीठ कटेगी, यह तरीका सन 1973 में हमारे हाथ लगा। उससे पहले 1970 में अलकनंदा में बाढ़ आई, बद्रीनाथ से आने वाली 25 बसें बह गई थी और ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में तो भारी नुकसान हुआ ही,
लेकिन हर की पैड़ी से जो गंगा नहर निकलती है वो पथरी तक 10 किलोमीटर तक सिल्ट से भर गई थी, और वही एक कारण था कि ये क्यों हुआ। तभी हमें पता चला कि ऊपर अलकनंदा जल ग्रहण क्षेत्र में जहाँ जहाँ पेड़ काटे गए वहाँ अतिवृष्टि के बाद लैंडस्लाइड हुआ, और वहाँ के लोग तो मारे ही गए, उनके खेत तो को नुकसान हुआ ही, पर जो गंगा नहर है उस समय डॉक्टर के एल राव सिंचाई मंत्री थे, उन तक भी हमने अपनी व्यथा पहुँचाई कि ये जो बाढ़ आई वो मैन मेड है या प्राकृतिक है। उन्होंने कमेटी बनाई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कमेटी की रिपोर्ट की तो जानकारी नहीं। फिर उसी इलाके में जब दोबारा पेड़ काटे जाने लगे तो हमने कहा कि हम पेड़ों को नहीं काटने देंगे, पेड़ों पर अंगूठा मार देंगे, क्योंकि यदि ये पेड़ फिर से कटेंगे तो जैसी बाढ़ 1970 में आई वही बाढ़ फिर से आ जाएगी। तो इस प्रकार चिपको शब्द वृक्ष और जंगलों को बचाने मात्र का प्रतीक नहीं रहा, वह प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के व्यापक संदर्भ में अहिंसक आंदोलन का पर्याय बना। इस आंदोलन के साथ अनेक अभियान, अनेक अध्ययन यात्राएं, मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, गोदावरी का जो एजेंसी एरिया है जहां पर 1977 में प्रलयंकारी बाढ़ आई थी अपने आंध्र प्रदेश में, लेकिन 1986 में गोदावरी भी 22 फीट ऊपर उठ गई थी। तो जब हमें इसका पता चला तो जैसे गंगा के बारे में पता चला तो हमने गोदावरी की भी यात्रा की, और वहाँ कई प्रकार की अन्य समस्याओं का भी जो एजेंसी एरिया है उससे पता चला। तो गोदावरी के साथ साथ इंद्रावती, तुंगभद्रा आदि अपने देश के जो अलग अलग भूभाग हैं उनकी भी यात्रा की, अपने देश व समाज, प्रकृति व संसाधनों को समझने और उन्हें बृहत सामाजिक उद्देश्यों के साथ जोड़ने के क्रियाकलापों से सामाजिक गतिमानता और लोगों को का मनोबल बढ़ाने में मदद मिली। चिपको के अनुभवों का लाभ अलग अलग क्षेत्रों में उठाया जा रहा है, लेकिन उसे अधिक विस्तारित किया जाना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सबको, हम सबको जन्म देने वाली, हमारा पालन करने वाली इस धरती पर हमने अपने लालच को बढ़ाकर एक प्रकार से संकट पैदा कर दिया है। इससे इस पृथ्वी की मूल संरचना के विभिन्न घटकों में असंतुलन की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे मनुष्य सहित विभिन्न जैव प्रजातियों के अस्तित्व पर संकट पैदा हो गया है। यह संकट लगातार घनीभूत होता जा रहा है, जो चिंता की बात है। इधर के वर्षों में हमारे देश में भी हिमालय से लेकर के सह्याद्री तक, उससे आगे हिंद महासागर के छोर तक, इधर रेगिस्तान से लेकर के दंडकारण्य तथा उससे भी आगे बंगाल की खाड़ी तक पर्यावरणीय बिगाड़ से संतरस्त है। यदि हम हिमालय को देखें तो आज पर्यावरण बिगाड़ का दूसरा नाम हिमालय है। हिमालय की मिट्टी, वनस्पति व जंगल आदि न सिर्फ यहाँ के मानव जीवन और पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, बल्कि भारतीय महाद्वीप का जीवन और समृद्धि से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। महाकवि कालिदास ने जैसे कहा था कि अस्तुत रस्याम जिस देवतात्मा वाला, कि जिस हिमालय को पृथ्वी का मानदंड कहा है उसकी बिगड़ती दशा पूरे देश के लिए गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। भूविज्ञानी जिस हिमालय को विकासोन्मुखी बताते हैं उसे हम बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित पा रहे हैं, तो इससे पूरे देश के बौद्धिक समाज का चिंतित होना स्वाभाविक है। हिमालय देश का प्रहरी नहीं, देश के मौसम का जनक, नियंत्रक और जल स्तंभ भी है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु तथा इनकी सैकड़ों सदानीरा नदियाँ, जिनका बेसिन 43% है और जिनसे वाटर बजट 63% के करीब प्राप्त होता है, ये हिमालय से ही जीवन और स्वरूप धारण करती है, जिससे पूरे जीवन का, देश का जीवन संचालित होता है। इन नदियों की सदाबहार बनाए रखने में हजारों हिमनदों की श्रृंखलाएँ से वर्ष भर पानी मिलता रहता है। पिछले दशकों से स्थानीय परिस्थिति एवं वैश्विक तापवृद्धि के कारण हिमनद तेजी से टूट और पिघल रहे हैं, जिससे नदियां बौखला रही हैं। 2013 का उत्तराखंड का जो महाप्रलय था उसका, इसका ताज़ा उदाहरण है,
और उससे पूरे देश के जो श्रद्धालु लोग थे वो हजारों लोग प्रभावित हुए थे। इससे हिमालय के बिगड़ते मिजाज को उजागर किया है। इस वर्ष जलवायु परिवर्तन एवं बेमौसमी बारिश ने देश के अधिकांश क्षेत्र प्रभावित हुए थे। इस प्रकार खगोलीकरण, जलवायु परिवर्तन का वैश्विक तापवृद्धि का हिमालय सहित धरती के भविष्य और पर्यावरण पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इस पर बहुत अधिक विचार और काम करने की आवश्यकता है। आपने जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार को स्वीकार करना मेरे लिए अत्यंत गौरव एवं सम्मान की बात है। इस अवसर पर मैं इंदिरा जी को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हुए उन्हें नमन करता हूँ और मुझे इस बात का बहुत गौरव है कि जब हम लोग बहुत परेशानी में थे चिपको आंदोलन के दौर में, तो उन्होंने इस आंदोलन की प्रशंसा की थी और इसके साथ साथ जो वनीकरण का कार्य किया था उसको समझा और उससे हमारा उत्साह वर्धन हुआ। यही नहीं, जब हम 1977 में अलकनंदा बाढ़ और 1972 में आंदोलित हो रहे थे वनों को बचाने के लिए, तो उन्होंने विश्व मंच पर 1972 में स्टॉकहोम में जो पहला पर्यावरण का सम्मेलन हुआ था, उन्होंने कहा था कि पर्यावरण, क्योंकि पहले ये था कि पर्यावरण और विकास एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने कहा कि यदि पर्यावरण हमारी जो प्राकृतिकता है वो बढ़ेगी तो उससे गरीबों को लाभ होगा। और मेरा सौभाग्य रहा कि 1981 में न्यू एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का केन्या नैरोबी में एक विश्व सम्मेलन हुआ था। दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष उसमें आए थे, इंदिरा जी थी उसमें, और उस समय उन्होंने जो वहाँ का जो रीन्यूज था, उन्होंने जंगलों की माता के बारे में और पूरा पेज, और उसी के साथ साथ नीचे से हम लोगों का इंटरव्यू भी जो चिपको आंदोलन की बात कही जा रही, तो उस समय से जो रही है जो एक तरफ से वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं उसका विकास अपने देश में हुआ। साइलेंट वैली सागर के किनारे जो केरला का वह है, और इसी प्रकार वैली ऑफ फ्लावर के नीचे जो भिंडार घाटी है, यहाँ पर दो ये इलाके बहुत ही खूबसूरत इलाके थे। जैसे भिंडार घाटी के बारे में कहा जा रहा था कि ये अमेरिका की येलोस्टोन पार्क की तरह खूबसूरत घाटी है, उस घाटी में एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था। हमने इंदिरा जी को चिट्ठी लिखी और ये भी याद दिलाया कि साहब आपने चिपको आंदोलन की तो प्रशंसा की और इस घाटी के पूरे पेड़ नष्ट होंगे, तो उन्होंने पहली बार साइलेंट वैली का भी और भिंडार घाटी का भी जो आज भी वो विड्रॉ किया ऊर्जा मंत्रालय ने। तो हम जैसे बिल्कुल सामान्य ग्रामीण परिवेश वालों के लोगों के, जिसमें स्वामीनाथन जी का इत्यादि का, वो आज मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हैं। 2006 में जब आप प्रधानमंत्री थे, ग्लेशियरों की इन स्थितियों के बारे में मैंने आपसे प्रार्थना की कि एक ऐसा बहुआयामी संस्थान बनना चाहिए, जैसे वाडिया हिमालयन इंस्टीट्यूट है, वो ग्लेशियरों के बारे में कहता है कि ग्लेशियर पीछे जा रहे हैं, लेकिन उसका हमारी ट्री लाइन पर, हमारी वनस्पति पर, हमारी खेती बाड़ी पर, परंपरागत पानी के स्रोतों पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा। आपने कृपापूर्वक तत्काल उस संस्थान को घोषित करने की वो की थी, और इसके साथ साथ आपको मालूम होगा कि जो जनजातीय आदिम समाज है उसके लिए आपने वो 2006 में जो कानून बनाया, इसका पालन हो रहा है या नहीं ये तो अलग बात है, पर हमारी संसद ने और उन्होंने ये वो किया। और इसके अलावा यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं कि जो चिपको आंदोलन के दौरान और उसके बाद हमारे वन एवं पर्यावरण संवर्धन शिविर में जिन्होंने अपने ज्ञान और ऊर्जा का, वो हमारे यहाँ पर चाहे हरीश रावत जी हो, जयराम रमेश जी हो, अब्बल सिंह जी हो, ये कई लोग हैं, प्रदीप टमटा है या नहीं मुझे मालूम नहीं, तो इन लोगों ने उस समय ये करके, उस समय ये लोग विद्यार्थी थे, जेल तक गए कई अल्मोड़ा में, तो ये लोग, तो इन सब के दर्शन करने का मुझे आज यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कई वरिष्ठ लोग यहाँ पर हैं, NRSA की जब मीटिंग में आपके साथ वहाँ सम्मिलित होने का, तो इसलिए मैं इस निमित्त यहाँ पर, इस पुरस्कार के निमित्त यहाँ पर आया। आप जब राज्यपाल थे
तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में लाइन से हट करके कई कार्यक्रम मोतीलाल वोरा जी, तो इसलिए मैं अपने को स्वयं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ये सम्मानित पुरस्कार तो है ही, लेकिन इसके अलावा इतने सब लोगों से भेंट करने का मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं फिर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मुख्य रूप से सोनिया गांधी जी का, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, मोतीलाल वोरा जी का, और आप सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।